गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने नासिक मार्केट से कुछ बाय किया है अपने लिए। सो आई हैव बॉट दिस क्यूट विंटर स्लीपर्स। वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे लग रहे थे मुझे, सो मैंने ले लिया। और ये कुछ कॉफ़ी मग्स है जो मेरे मॉम ने लिए थे वहाँ से। फिर गाइस, हमारा लंच टाइम हो गया था और लंच में वी हैड चिकन चिल्ली एंड वेजिटेबल राइस। मार्केट से घर आने के बाद हम सब एक दूसरे को मेहंदी वगैरह लगा रहे थे क्योंकि शाम का निकाह था, और ऐसे सब टाइम पे हाथ में मेहंदी होना अच्छा लगता है। हम सबको एक एक कोन मिली थी अपने हाथ भरने के लिए। सो ये मैं अपनी कज़न को मेहंदी लगा रही हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक डार्क पिंक कलर की आउटफिट है। इट इज़ एक्चुअली अ गरारा जो मेरा निकाह का आउटफिट था, विच लुक्स सिंपली ब्यूटिफुल। इसके अलावा मैंने गोल्डन और सिल्वर मिक्स बैंगल्स लिए थे इस पे पहनने के लिए, और ये छोटी गोल्डन झुमकीस थी। मुझे ज़्यादा हैवी इयररिंग्स पहनना पसंद नहीं है, सो मैंने यही लिया अपने पहनने के लिए। सो गाइस, शाम में निकाह होने के बाद हम हॉल में पहुंच गए थे जहां पे मेन खाना था और मेन रात का फंक्शन था। फिर गाइस, हमारा खाने का टाइम हो गया था एंड वी हैड सम फिश स्टार्टर्स, ड्राई आइटम्स एंड मेन कोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा दुल्हन का सामान था एंड या इट वाज अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें डिनर के बाद कॉफ़ी दी गई थी। रात का फंक्शन अटेंड करने के बाद हम काफ़ी देर से लौटे थे घर पे, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, सो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई। ये वहाँ का टेरेस है, मैं ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ ऊपर टेरेस पे गई थी थोड़ा टाइम स्पेंड करने। सो गाइस, दीज आर बेसिकली काउडंग, जिसको मैं स्वीट पटेटो बोल रही थी। वो मुझे दूर से वैसे दिख रहे थे और मेरे कज़िन्स बहुत हंस रहे थे मेरे पे। सो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। वी हैड सम वड़ा पावज विथ ग्रीन चटनी। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, मेरे कज़िन्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खेले, क्योंकि वहाँ पास में ग्राउंड भी था। ये लॉक इन की चल रहा है। भाग भाग के सबकी हालत ख़राब हो रही है। ये देखो मूसा को, अपने आप को लॉक करा रही है मेरी बहन तो। फिर ये के वलीमे का टाइम होने वाला था, उसके पहले हम सब वहाँ बैठ के हाउजी वगैरह खेल रहे थे फ़ोन में।
सो गाइज वलीमे के लिए मेरा ये आउटफिट था. दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आउटफिट. गाउन के ऊपर मैंने ये सिंपल गोल्डन इयररिंग्स लिए थे. इसके अलावा मैंने ये गोल्डन ब्लॉक शू हील्स लिए थे बिकॉज इट वॉज मैचिंग ऑन माई बोथ दी आउटफिट्स. सो गाइस नेक्स्ट डे वलीमे में वी हैड सम पराठा, कीमा, सैलेड, बटर चिकन एंड बिरयानी. माशाल्लाह द फूड वाज रियली गुड. सो गाइस ये हमारा आखिरी दिन था और हमारी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी. सो टैक्सी से हम स्टेशन तक आए थे. माशाल्लाह हमारे रिलेटिव्स ने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा था. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वहाँ का स्टेशन है. हमारी ट्रेन देवलाली स्टेशन से थी. सो गाइज हम वहाँ पर 6:30 तक मॉर्निंग में पहुँच गए थे क्योंकि हमारी 7 o'clock के बाद ट्रेन थी मुंबई के लिए. Slipping by.